फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। आज के हम बात कर रहे हैं उन चार इंडियन टीम्स के बारे में जो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई कर सकती है। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरे चैनल को 3K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। आज के वीडियो का लाइक बोलोगा 600 लाइक और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाना। ज्यादा वक्त ना करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का सिंपल फंडा है, पाकिस्तान से 4 टीम, नेपाल से 4 टीम और इंडिया से 4 टीमें मेन इवेंट के लिए फाइट करने वाले जो शुरू होने वाला है जनवरी के सेकंड हफ्ते से। अब जो 6 तारीख से इंडिया फाइनल शुरू होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ 12 इंडियन टीम्स जो ग्रुप स्टेज से परफॉर्म करके आए हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ 4 ही टीमों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का मेन इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। वहां पे वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के 75 लाख इंडियन रुपीस के लिए लड़ाई करेंगे। मेरे लिस्ट के 4th टीम है देसी गेमर। यस, देसी गेमर्स ने ग्रुप स्टेज में एक शानदार परफॉर्मेंस दिया था जहां पर उन्होंने पहले ही दिन 100 पॉइंट का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था, काफी ज्यादा बुयास निकाले थे, डोमिनेट करते हुए जा रहे थे। सो आई फील देसी गेमर्स एंड उनकी टीम इग्नाइटर तो ऑलरेडी कह भी दिया है कि वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के इंडिया फाइनल्स में तो वो क्वालिफाई करके रहेंगे एंड उनका पिछले साल का परफॉर्मेंस मैं फिर से वापस से दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। आप सबको बताया कि देसी गेमर्स ने क्या क्या किया पिछले साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4th पोजीशन पे देसी गेमर्स जरूर होने चाहिए वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स में। तीसरे पे है केमिन ई-स्पोर्ट्स। डेथसोल के कंट्रोवर्सी होने के बाद से केमिन ई-स्पोर्ट्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा डाउनफॉल चला गया था, बट आई थिंक जिस तरीके से साल के आखिरी के कुछ लोकल टूर्नामेंट्स में एंड विंटर इन्विटेशन में जहां पे माफिया बाला की टीम में राधे ठाकुर ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद से मनोबल जो केमिन ई-स्पोर्ट्स का है बहुत ऊपर की तरफ चला गया है एंड आई फील प्रो लीग भी आ रहा है उसके लिए भी काफी अच्छा वार्म अप की जरूरत है एंड ये वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का कंट्री फाइनल्स काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है केमिन ई-स्पोर्ट्स के लिए। मुझे तो लगता है केमिन ई-स्पोर्ट्स में वो सब कुछ है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, मिर्ची मसाला सब कुछ है ताकि वो एक अच्छा प्लेटर बना सके एंड आई फील केमिन ई-स्पोर्ट्स मेरे लिस्ट के तीसरे में है एंड शायद वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई भी हो सकते हैं। मेरे लिस्ट के दूसरा टीम होने वाला है टोटल गेमिंग। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछला साल एंड किया है हाई नोट पे, 2022 का भी शुरुआत वो एक हाई नोट पे ही करना चाहेंगे क्योंकि उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। टीम ऑफ द ईयर 2021 भी टोटल गेमिंग ही बनी है, प्लेयर ऑफ द ईयर भी टोटल गेमिंग के माफिया बने हैं, फ्लैगर ऑफ द ईयर भी टोटल गेमिंग के डिलीट बने, तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बन चुके हैं लोगों का एंड आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने नया इंक्लूजन किया है रोहित का, ड्रेगो तो चलो इस टूर्नामेंट में खेल नहीं सकते क्योंकि इस टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले वो 2B गेमर में ही खेल रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन 2B गेमर के साथ ही हुआ था, तो नेपाल की टीम में आपको ड्रेगो खेलते हुए दिखेंगे, टोटल गेमिंग की टीम में आपको रोहित, माफिया बाला, माफिया, डिलीट एंड फौजी अजय खेलते हुए ही दिखेंगे। मेरे लिस्ट के अव्वल दर्जे के टीम होने वाले टीम ओरांगउटान एलीट, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हर एक ऑफिशियल टूर्नामेंट बोलिए या फिर थर्ड पार्टी टूर्नामेंट बोलिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, शायद वो 2021 का हो, 2020 का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़े टूर्नामेंट जीतने की बात आती है तो टीम एलीट ओरांगउटान एलीट का नाम हमेशा रहता है। सो वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के टॉप 4 टीम्स में जरूर से ओरांगउटान एलीट होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2021 में काफी ज्यादा बूम बाम परफॉर्मेंसेस देने के बाद एक और बार मौका है उनके पास इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, और सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करना है, उनको जीतना भी है क्योंकि अल्टीमेट गोल सबको इंडिया को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का टाइटल घर लेके आने वाला होगा। क्या सोच रहे हो, वीडियो खत्म, 4 टीम्स हो गए? यार जो लोग मेरे को पुराने तरीके से जानते हो, मैं हमेशा एक बोनस लेके आता हूं आप सभी लोगों के लिए, तो जरा रुक जाओ क्योंकि बोनस आने वाला है। तो मेरे लिस्ट का बोनस टीम होने वाला है टीजी टाइकून्स। यस एग्जैक्टली, टीजी टाइकून्स, क्योंकि फ्री फायर प्रो लीग के एफएफसी मोड क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने जो डोमिनेशन दिखाया है सिर्फ और सिर्फ उस वजह से मैंने उनको इस लिस्ट में डाला है क्योंकि ग्रुप स्टेज के क्वालिफायर में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया। ये एक ऐसी टीम है जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड पे विश्वास रखते हैं, या तो घुसो मारो या तो खुद खत्म हो जाओ, ये इनका एक ही फंडा है, बहुत अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। आई फील ये बोनस लिस्ट में जरूर से शामिल करना चाहूंगा इनको मैं, एंड टीजी टाइकून्स इज वन ऑफ द टीम्स जो 4th स्लॉट भी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो को खत्म करने से पहले ना मेरा एक छोटा सा टिप है, देखिए अल्टीमेटली वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के इंडिया कंट्री फाइनल से जो भी टीम्स क्वालिफाई करने वाले वो टोटल गेमिंग नहीं रहने वाले, वो ओरांगउटान एलीट नहीं रहने वाले, वो यहाँ पे टीजी टाइकून्स नहीं रहने वाले, वो होंगे टीम इंडिया। ये याद रखिए क्योंकि एक ही नाम आपको गूंजता हुआ देखने को मिलेगा, वो है टीम इंडिया, क्योंकि वहां पे टीम इंडिया, टीम पाकिस्तान एंड टीम नेपाल भिड़ने वाले हैं वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के ग्रैंड फाइनल्स के लिए जहां पे 75 लाख रुपए दाव पे लगा हुआ है। तो ये थे मेरे टॉप 4 टीम्स प्लस द बोनस जहां पे मैंने टीजी टाइकून्स का नाम जरूर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आया। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से आपके हिसाब से 4 टीम्स होने चाहिए जरूर से कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था 600 लाइक का टारगेट होने वाला है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस।